वेलकम बैक टू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड लर्न लिंकर से मैं श्रिया आपके स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उत्तम नगर में नवादा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में 50 गज का एक जड़ से मकान, जो जिसमें आपको जड़ भी आपका होगा और छत भी आपका होगा। तो फ्रेंड, इस फ्लोर के बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए आज पहले कुछ नहीं बोलूंगी, मैं पूरी डिटेल से जानने के लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना पड़ेगा। जब मेरे साथ विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगा आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए सब्सक्राइब ना, तो चलो शुरू करते हैं विजिट। तो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं हमारा जो जड़ से मकान, हमारा जो इंडिपेंडेंट हाउस है उसके फ्रंट में ही हम खड़े हैं। आप देखिए एक बार फ्रंट रोड, वो भी कितना खुला है। यहाँ से ही आपको पास में हमारा मेन रोड आ जाता है। और एक बार हमारा जो फ्रंट का एलिवेशन देख लीजिए फ्रेंड, कितना ही अच्छा एक डिजाइन पर हम आपको बना कर दिए हैं, जो ब्लैक और ब्राउन कलर में देखिए उसकी कॉम्बिनेशन में कितना सुंदर लग रहा है। और ये आ गया हमारा पार्किंग। पार्किंग के लिए देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक बड़ा गेट मिल रहा है जहाँ अपना फोर व्हीलर एंट्री कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा छोटा गेट, और जैसे ये एंट्री करते हैं ये आ गया हमारा पार्किंग। यहाँ पर आप अपना फोर व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं और अपना बाइक भी पार्क कर सकते हैं। इतना बड़ी साइज की हम बनाकर आपको दे रहे हैं। ये आपके पार्किंग में देखिए फ्रेंड, 4 फीट तक का हम टाइल्स का वर्क करके दे रहे हैं, जैसे ये पार्किंग हमेशा साफ सुथरा रहे। अगर आप चाहे तो इसे सीटिंग एरिया करके भी आप चेयर लगा के भी बैठ सकते हैं। एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, इस जो पार्किंग का फॉल सीलिंग भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा डिजाइन पर हम आपको बनाकर दे रहे हैं, जहाँ आपको मूड लाइट और कप लाइट हम लगा कर दे रहे हैं। सेंटर में आपको फैन मिलेगा। और ये आ गया हमारा मोटर का एरिया, यहाँ आप अपना मोटर इंस्टॉल कर सकते हैं।
और इसी के साथ हम एंट्री करते हैं हमारा लिविंग रूम में। ये आ गया हमारा लिविंग रूम, आप देखिए कितना अच्छा साइज से दिया गया है लिविंग रूम, कितना अच्छा लग रहा है। और इसका मैं अगर डोर की बात करूं फ्रेंड, तो देखिए ये 8 फीट हाइट से आपको डोर दिया जा रहा है, और जो मटेरियल लगा है वो भी अच्छा मटेरियल से ही हम बनाकर आपको दे रहे हैं, जो खराब नहीं होगा। यहाँ आप अपना एल टाइप का सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो वॉलपेपर दिए है फ्रेंड, देखिए ये भी एक 3D डिजाइन पर दिए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर देखिए हमारा फॉल सीलिंग भी बहुत ही एक यूनिक डिजाइन पर दिया गया, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी आपको मूड लाइट और कप लाइट का काम देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में एक बढ़िया ब्रांड का कितना सुंदर आपको फैन मिल रहा है। साइड में आपको एक फैंसी लैंप मिलना हम लगा कर दे रहे हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा किचन, जो मॉडुलर किचन है। आप देखिए फ्रेंड, मॉडुलर किचन कितना बिग साइज का है, कितना खुला है। आप देखिए एक बार किचन का फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, फॉल सीलिंग भी कितना प्यारा, कितना सुंदर से बनाया गया है, कितना बढ़िया डिजाइन पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हैंगिंग फैंसी लाइट हम लगा कर दे रहे हैं। अगर मैं स्लैब की बात करूं तो आपको यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट का काम देखने के लिए मिलेगा। स्टोरेज की तो कोई कमी होगी ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि जितना ड्रॉर्स दिया गया है यहाँ पर, बहुत सारी बकेट आपको दिया गया है। ऊपर आपको उतना ही कवर्ड मिल रहा है, स्टोरेज की बिल्कुल कमी नहीं होगी। आपको यहाँ पर नॉइज प्रूफ सिंक मिल रहा है, जो एक अच्छा सिंक दिया गया है, जिसमें बिल्कुल आवाज ही नहीं होगा। यहाँ आपको हम टैप लगा कर देंगे, वो भी जागवर कंपनी की टैप ही लगा कर देंगे फ्रेंड। ये इसके ऊपर आपको मिल रहा है आरओ के लिए प्रोविजन, आप यहाँ पर अपना आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, किचन में जब सबकी शिकायत यही होती है कि किचन में वेंटिलेशन नहीं है, आपको यहाँ पर किचन में वेंटिलेशन मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। इसके लिए आपको हम विंडो दे रहे हैं। और जो ग्रेनाइट हमारे जो टाइल्स का काम हुआ फ्रेंड, देखिए किचन में जो टाइल्स का काम भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया एक अच्छा टाइल लगा कर दिए हैं। आपको यहाँ पर सेपरेटली फ्रिज के लिए स्पेस दे रहे हैं, आप जितनी भी बिग साइज का फ्रिज चाहे यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये आ गया हमारा लिविंग रूम और किचन के बीच में एक पार्टीशन हम वुडन का वर्क करके दे रहे हैं, जहां पर आपको ड्रॉर मिल रहा है, आप अपना छोटे मोटे चीज यहाँ पर आप रख सकते हैं। और यहाँ पर अपना डेकोरेट पीसेस भी रख सकते हैं, आपको हम बना कर दे रहे हैं। तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है हमारा किचन। और फ्रेंड इस साइड देखिए, ये हमारा सीढ़ी आ गया, जो स्टेयर्स देखिए ये भी कितना खुला खुला है। और इसके साइड में एक स्पेस हम आपको दे रहे हैं, आप चाहे तो कुछ भी स्टोरेज यहाँ पर रख सकते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक बेडरूम। देखिए फ्रेंड, बेडरूम भी कितना बिग साइज का है, कितना बड़ा है, आप देखिए, जो कि 10x12 का बेडरूम है, बहुत ही बिग साइज का है। और यहाँ भी आपको एक अलमीरा मिल रहा है बड़ा साइज का, और नीचे आपको दो ड्रॉर मिल रहा है, यहाँ आपको स्विच मिल रहा है, जैसे आप फोन चार्ज सब कर सकते हैं। वॉलपेपर देखिए, वॉलपेपर भी ये भी 3D डिजाइन से ही दिया गया है, और कितना सुंदर लग रहा है। एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल डिजाइन पर दिया गया है, सेंटर में आपको फैन लगा कर हम दे रहे हैं। मूड लाइट कप लाइट का आपको काम देखने के लिए मिलेगा। और ये जो हमारा बेड की जगह है फ्रेंड, बेड के सामने ही आप देखिए कितना बिग साइज का आपको एक टीवी पैनल हम दे रहे हैं, जो कि वुडन से वर्क हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर अपना 65 इंच का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, इतना बिग साइज का ये हमारा टीवी पैनल है। यहाँ पर आप अपना डेकोरेट शोपीस रख सकते हैं, नीचे आपको ओपन कैबिनेट मिल रहा है, सारी चीज यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रेंड। ये जो जड़ से मकान, आप मेरे साथ बस देखते जाइए और सारी चीज को जानते जाइए। आपको इस बेडरूम में आपको सेपरेट हम दे रहे हैं जो हमारा सीट के लिए वॉशरूम, और यहाँ पर आपको वॉश के लिए दिया गया है, दो हम सेपरेट आपको बना कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड हमने तो ग्राउंड फ्लोर देख लिए हैं, अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। चलिए फ्रेंड इस सीढ़ी से चलते हैं हम। ये सीढ़ी देखिए फ्रेंड, ये भी कितना खुला खुला सीढ़ी है, स्पेसियस है। तो पहुंच गए फ्रेंड हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं फ्रेंड, आपको एक बिग साइज का एक लिविंग रूम देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए ये लिविंग रूम भी कितना स्पेसियस है,
आपको सीटिंग के लिए बनाकर हम दे रहे हैं। इसका एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, फॉल सीलिंग भी एक यूनिक डिजाइन पर दिया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। सेंटर में आपको हम फैन लगा कर देंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारा सेकेंड बेडरूम में। आप तो ग्राउंड में एक देख लिए फ्रेंड बेडरूम, ये हो गया हमारा सेकेंड बेडरूम। ये हमारा सेकेंड बेडरूम भी देखिए फ्रेंड कितना बिग साइज का है, आप देख ही सकते हैं। ये अगर मैं साइज की बात करूं फ्रेंड तो ये 10x14 का हमारा बेडरूम है। और इसका वॉलपेपर एक बार देख लीजिए, वॉलपेपर भी कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर सारी वॉलपेपर आपको 3D वाला ही मिलेगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, जो फॉल सीलिंग भी एक यूनिक डिजाइन पर दिया गया है जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको हम फैन लगा कर देंगे। यहाँ अपना किंग बेड भी अगर लगाएंगे, किंग साइज का बेड भी लगाएंगे फ्रेंड, फिर भी बहुत ही खुला रहेगा, बहुत ही स्पेसियस रहेगा। आपको साइड में और एक बहुत बड़ा अलमीरा मिल रहा है फ्रेंड, और नीचे आपको ड्रॉर मिल रहा है। और ये आ गया हमारा विंडो। आपको तो यहाँ पर वेंटिलेशन की कोई कमी ही नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर आपको विंडो भी मिल रहा है, ऊपर आपको विंडो एसी की प्रोविजन मिल रहा है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारी बालकनी। बालकनी से जाने से पहले फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ अटैच वॉशरूम। देखिए फ्रेंड ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम का सेकंड वॉशरूम, जो कि बढ़िया साइज से दिया गया है। वॉल टू वॉल टाइल का काम हुआ है, ब्लैक और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको यहाँ पर एडजस्ट फैन के लिए हम स्पेस बनाकर दिए हैं। ये अभी यहाँ पर सीट और जितना भी सैनिटरी की चीज नहीं लगी है फ्रेंड, हम ब्रांडेड सीट लगा के देंगे। और सैनिटरी का सारी जागर कंपनी का ही आपको लगाकर हम देंगे। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे बालकनी में। तो देखिए फ्रेंड ये हमारे बालकनी, बालकनी भी एक अच्छे साइज से दिया गया है। यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वॉशिंग मशीन के लिए पानी का टैप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, सारी सुविधा हम करके दे रहे हैं। साइड में आपको एक अच्छा स्टील से हम रेलिंग बनाकर दे रहे हैं। आपको यहाँ पर ग्लास देखने के लिए मिलेगा, आपकी सेफ्टी के तौर पर आपको हम ग्लास लगा कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब किए हैं या नहीं? अगर नहीं किए हैं तो तुरंत कीजिए। तो आप जब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड हम पहुंच गए हैं हमारी थर्ड बेडरूम में। आप देखिए थर्ड बेडरूम भी कितना बिग साइज का है। अगर इस रूम के साइज की मैं बात करूं फ्रेंड, ये 10x12 का ही ये रूम है, ये भी बहुत ही बिग साइज का है। इसका वॉलपेपर भी आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए फ्रेंड, ये फॉल सीलिंग भी आपको बहुत पसंद आएगा। एक बढ़िया डिजाइन बनाकर हम दे रहे हैं। सेंटर में आपको फैन लगा कर देंगे। यहाँ भी आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बेडरूम में भी आपको हम विंडो दे रहे हैं, ऊपर आपको विंडो एसी की प्रोविजन दे रहे हैं। और आपको इस बेडरूम में भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। देखिए फ्रेंड ये आ गया हमारा अटैच वॉशरूम, जो वॉल टू वॉल हमारा टाइल्स का काम हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है। आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको हम स्पेस दे रहे हैं। तो ये जो जट से मकान है ना फ्रेंड, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड हम तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हमने देख लिए, अभी चलते हैं हमारे टेरिस के, टेरिस में चलते हैं फ्रेंड। वहां मैं आपको टेरिस दिखाऊंगा, कितना खुला टेरिस मिल रहा है आपको। सो फ्रेंड हम पहुंच गए हमारे टेरिस में। आप देखिए ये जो टेरिस है कितना खुला है, कितना बढ़िया है। आप देखिए आपको टेरिस में जो हमारा फ्लोर है फ्रेंड, आपको हम टाइल्स का काम करके दे रहे हैं, जैसे ये हमेशा साफ सुथरा रहेगा। पूरी टेरेस में आपको टाइल्स का काम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर भी हम आपको बीच बीच में लाइट का काम करके दे रहे हैं, जैसे आप रात में यहाँ शाम को बच्चों के साथ फैमिली के साथ आके आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर लाइट भी लगा कर दे रहे हैं। और ये आ गया हमारा जो फ्रंट